हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारी फिर से एक न्यू वीडियो में। तो गाइज, आज से पहले आपने इवो गन को देखा था और कल आपने इवो फिस्ट भी देख लिया। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ इवो बंडल के बारे में, जो कि बहुत जल्द ही हमारे इंडिया सर्वर में आने वाला है। क्या बात कर रहे हैं? अरे हाँ भाई हाँ। तो गाइज, इवो बंडल कब हमारे इंडिया सर्वर में आने वाला है मैं आपको ये भी बताऊंगा, कितना डायमंड लगेगा ये भी बताऊंगा, और उसमें क्या क्या करना होता है, कैसे अपग्रेड होगा, उसका टोकन कहाँ से मिलेगा, टोकन कैसा होता है, कितना डायमंड लगने वाला है गाइज। तो गाइज मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताऊंगा, ठीक है? बस आप वीडियो लास्ट तक देखना। तो गाइज मैं अब आ चुका हूँ बाहर के सर्वर में, अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ लक रॉयल में। तो लक रॉयल में आप देख सकते हो कि इसको फडेड विल में डाला गया, जो कि इवो का बंडल है। तो गाइज आप ये मत समझ रहे कि ये मैक्स है, ये इसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा, नहीं। जैसे हमें इवो गन मिलता है ना, सेम वैसे भी यहाँ इसको निकालना है, फिर आगे जाके आपको अपग्रेड करना है। कैसी लगी? तो गाइज आप जैसे ये बंडल निकाल लेते हो, फिर आपको कस्टमाइज में जाना है। कस्टमाइज में जाने के बाद आप देख सकते हो कि आपको 5 बंडल देखने को मिल रहा है। फिर नीचे के साइड में गाइज आप देख सकते हो कलेक्शन के 3 आइटम दिए जा रहे हैं, और उसके नीचे हमें स्पेशल इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो गाइज आप जैसे ही फटेड बिल का बंडल अगर निकाल लेते हो, तो आपको ये वाला बंडल फ्री में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अनलॉक मतलब डायमंड से भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको अनलॉक देखने को फ्री में मिल जाएगा। तो ये रहा अब हमारा दूसरा नंबर का बंडल, तो आप देख सकते हो इसको। तो गाइज मेरे को कलर के बारे में उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप देख के समझ जाना कौन सा कलर है, ठीक है? और ये रहा हमारा तीसरा नंबर का बंडल, जो कि थोड़ा थोड़ा पीला पीला है, कोई बात नहीं। और ये रहा हमारा पर्पल कलर का, ठीक है गाइज? तो ये पर्पल कलर में हमें दिया गया है। और जो पाँचवा नंबर का बंडल है, वो जैसा हमारा हीरोइक का जो रैंक का जो कलर होता है ना, ऐसे कलर पे इसको बनाया गया है। तो गाइज आपने पाँचों बंडल को देख लिया कैसा है, ठीक है, अच्छे से समझ भी लिया, देख भी लिया। तो चलो गाइज मैं अब आपको बताता हूँ कि कलेक्शन के अंदर ये क्या दिया गया है। तो गाइज इसको आप अच्छे से देख लो, ये हमारा एनिमेशन रहने वाला है। जैसे कि आप जब भी ग्रुप बनाओगे, या फिर आप किसी के ग्रुप में जाओगे, या फिर कोई आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा, तो आपको ये वाला एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो गाइज इसको आप अच्छे से देख लो, ये अच्छा डिज़ाइन किया गया है, मतलब अच्छे से बनाया गया है। तो ये मुझे तो गाइज पर्सनली अच्छा लगा, ठीक है? और ये गाइज ये जो दूसरा नंबर का है, ये इमोट होने वाला है, जैसे कि हमारा ट्रॉफी वाला इमोट होने वाला है, ठीक है? ये ट्रॉफी वाला हमारा इमोट है। और ये जो तीसरे नंबर का है, आप तीसरे नंबर को भी आप देख सकते हो, ये जो तीसरा नंबर वाला है, ये हमारा स्क्वाड इमोट है। मतलब जब भी आप स्क्वाड के बीच में इमोट मारोगे, तो आपका साथ वो भी डांस करने वाला है। तो मैं तो पर्सनली बता रहा हूँ, मैं तो बहुत नचाऊंगा अपने स्क्वाड को, बहुत नचाने वाला हूँ, ठीक है? तो ये आप देख लो इमोट को। और नीचे रहा गाइज अब स्पेशल इफेक्ट के, गाइज पहले आप इसको देख लो ये कर क्या रहा है, ठीक है? आप पहले देखो ये क्या कर रहा है, पता है गाइज ये क्या कर रहा है? मतलब जब भी आप किसी भी खिड़की से बाहर निकलोगे, या घर की खिड़की हुई या छत की हुई, तो आपको ऐसा इफेक्ट देखने को मिलने वाला है। तो आप इफेक्ट देख सकते हो कुछ ऐसा है। और ये सेकंड नंबर वाला जो गाइज है ना, ये हीलिंग वाला है। मतलब जब भी आप किसी मेडिकेट का यूज़ करोगे, तो आपको नीचे ऐसा इफेक्ट देखने को मिलेगा। गाइज ये चीज़ें हमारे बंडल में नई चीज़ें डाली गई हैं। और गाइज इसको आप देख लो, ये जब भी आप रन करोगे ना, तो आपके राइट वाले लेग से, पैर से, जो भी बोलो, उससे ऐसा इफेक्ट निकल के आएगा सामने। आप देख लो ऐसा इफेक्ट निकलने वाला है। और गाइज ये पता है क्या है, मतलब ये समझो जब भी आप, मतलब जब हम CS खेलने जाते हैं, तो वहाँ पे हम खड़े रहते हैं ना, तो आपको ऐसा इफेक्ट देखने को मिलेगा। मतलब जब भी आप वेटिंग वाली जगह पे होगे, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, चाहे वो CS हो या कोई भी मोड हो, ठीक है? और जब भी आप स्क्वाड का वेट करोगे अपने ग्रुप में, तो आपको ऐसा भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो गाइज अब बात करते हैं कि ये इसका टोकन कैसा होने वाला है। अब चलो मैं अब इसके टोकन के बारे में बताऊंगा, फिर लास्ट में आपको डायमंड के बारे में भी बताऊंगा सब कुछ। तो गाइज इसका टोकन आप देख सकते हो कुछ ऐसा टोकन रहने वाला है, ठीक है, जो कि यहाँ पे 50 डायमंड का रखा गया है। और गाइज हमें इसके क्रेट के अंदर देखो बंडल भी देखने को मिल रहा है, और जो इफेक्ट है गाइज हमें वो भी देखने को मिल रहा है, तो आप देख सकते हो। तो गाइज मैं एक बात पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो इसके अंदर रखे गए हैं, जो भी आइटम रखे गए क्रेट के अंदर, वो चेंज हो भी सकते हैं, ठीक है गाइज? और जो इसका प्राइस रखा गया 50 डायमंड का, वो भी चेंज हो सकता है। तो गाइज इसमें कोई कंफर्म नहीं है, बट आप यहाँ पे टोकन बस देख लो, ठीक है? हो सकता है गाइज कि हमें सेम ही देखने को मिले हमारे इंडिया सर्वर में, अदरवाइज नहीं मिलता है। तो जैसे हमारा इवो गन का क्रेट होता है 40 डायमंड का, जिसमें हमें टोकन 3 से लेकर 10 तक मिलते हैं, ऐसा हो। तो गाइज आप ऊपर भी देख सकते हो, 10 डायमंड में हमें एक टोकन मिल रहा है। तो आप ऐसे भी परचेस कर सकते हो, ऊपर देख लो आप, 10 डायमंड में एक टोकन मिला है, तो आप ऐसे भी परचेस कर सकते हो। तो गाइज आपने अभी तक सब कुछ देख लिया, इफेक्ट देख लिया, कलेक्शन के जो एनिमेशन इमोट थे वो भी आपने देख लिया, बंडल भी देख लिए, और आपने टोकन भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। तो गाइज अब बात करते हैं कि ये कैसे निकलेगा। तो गाइज जैसे ही आप अपना ये फडेड बिल कंप्लीट कर लोगे, फिर आप कस्टमाइज में जाओगे, तो आपको जो पहले नंबर वाला बंडल है, वो फ्री में अनलॉक देखने को मिल जाएगा। ये वाला बंडल फ्री में मिल जाएगा। अब रही बात गाइज दूसरे बंडल की, तो ये इसके लिए आपको 100 टोकन देना पड़ेगा। गाइज हो सकता है कि ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है? ये तो भाई गरेना जानता है, ऊपर वाला जानता है, बट जो रखा गया बाहर का सर्वर में, मैं आपको वो बता रहा हूँ, इसके लिए आपको 100 टोकन देना पड़ेगा। और जो आगे वाला तीसरा नंबर है गाइज, उसके लिए आपको 160 टोकन देना पड़ेगा, ठीक है गाइज? 160 टोकन आपको इसके लिए लगने वाला है।
और इसके लिए भी गाइज 160 टोकन लगेगा, मतलब 160, ठीक है। और जो पांच नंबर वाला है इसके लिए भी हमें 160 टोकन ही मिलेगा। जैसे ही आप भाई पाँचों बंडल निकाल लोगे, आपको ये कलेक्शन का आइटम और जो स्पेशल इफेक्ट है सारा का सारा आपको अनलॉक देखने को मिल जाएगा। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो गाइज मैंने अभी तक आपको सारा का सारा चीज बता दिया, जैसे इफेक्ट के बारे में, एनिमेशन के बारे में, इमोट के बारे में, और हमारा पांचों बंडल के बारे में, और टोकन कैसा है, कितने का मिलेगा गाइज, इसके बारे में भी मैंने बता दिया। तो गाइज अब हम बात करते हैं कितना डायमंड लगेगा इसमें, कितनी डेट को आएगा और कहाँ आएगा। तो गाइज अगर डायमंड की बात की जाए तो देखो कुछ भी चेंज हो सकता है, तो मैं डायमंड के बारे में तो नहीं बता सकता कितना डायमंड लगेगा। क्या बात कर रहे हैं, आपने खुद देखा कि यहाँ पे क्रेट के अंदर ही हमें बंडल देखने को मिल रहा है, तो भाई डायमंड आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन गाइज जब ये इवेंट आ जाएगा तो मैं आपको निकाल के दिखा दूंगा और बता भी दूंगा कि कितना डायमंड लग रहा है इसमें, ठीक है गाइज। तो गाइज आप बात करते हैं कि कितनी डेट को आएगा, तो गाइज ये 26 नवंबर को आएगा, मतलब 26 डेट को आएगा इसी महीने में। और कहाँ आएगा गाइज, तो ये फ्लडेडविल में 90% चांस है कि हमें फ्लडेडविल में देखने को मिले। तो गाइज ये रहा हमारा आज का वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज लाइक कर देना, कमेंट कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज ठीक है, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गाइज बाय बाय।